किरण जी, उम्मीदों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आ रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, और शुरू से ही हम इस बात को कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा करेंगे। 11 की 11 सीट की बात हमने हमेशा करी है। 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जिसमें हम कंफर्टेबल मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरबा में एक हम पीछे जरूर हैं, लेकिन बहुत लो मार्जिन के साथ हैं, और 3-5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार का ऐसा मार्जिन, और ये आगे मतगणना के दौर अभी शेष हैं। मेरा विश्वास है वो भी सीट हम जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने उड़ीसा पर भी छत्तीसगढ़ के नेताओं का भरोसा जताया और आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी, वहां भी एक बड़ी सफलता मिल रही है बीजेपी। जी हाँ, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे विधायक, सांसद, सभी का जाना हुआ। बड़ी संख्या में लंबा समय व्यतीत किया, उड़ीसा के 3 चक्करों के चुनाव में सभी लोग रहे, और उसी समय से लग रहा था कि उड़ीसा में और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बड़ी संख्या में, बहुतायत में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे सांसद वहां से जीत के जाएंगे, और वैसा ही हुआ। एक आखिरी सवाल, देश भर में जो नतीजे आ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से आगे की रणनीति रहे? नहीं, कहीं पे 1-2-3 जगह पे थोड़ा सा हमें जितनी अपेक्षा थी उससे कम जरूर हुआ है, लेकिन बाकी ऐसे कई राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हमारा दिल्ली, ऐसे इसके ऐसे बहुत से राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के भी, जिसमें जैसा समझ में आ रहा था और जैसा प्रतीत हो रहा था वैसे रिजल्ट आए हैं। इसलिए स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत धन्यवाद सर।